हम खबर आपको कराची से देंगे। साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध मुमताज भुट्टो इंतकाल कर गए हैं। मुमताज भुट्टो तवील अरसे से अलालत के बायस कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे। 94 साल मुमताज भुट्टो पीपल्स पार्टी बानी जुल्फिकार अली भुट्टो के कज़न थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अफसोसनाक खबर है कराची से। साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध मुमताज भुट्टो इंतकाल कर गए हैं। मुमताज भुट्टो तवील अरसे से अलालत के बायस कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे। 94 साल मुमताज भुट्टो पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो के कज़न थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अफसोसनाक खबर है कराची से। साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध मुमताज भुट्टो इंतकाल कर गए हैं। मुमताज भुट्टो तवील अरसे से अलालत के बायस कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे। 94 साल मुमताज भुट्टो पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो के कज़न थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अफसोसनाक खबर है कराची से। साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध मुमताज भुट्टो इंतकाल कर गए हैं। मुमताज भुट्टो तवील अरसे से अलालत के बायस कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे। 94 साल मुमताज भुट्टो पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो के कज़न भी थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं कराची से। साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध मुमताज भुट्टो इंतकाल कर गए हैं। मुमताज भुट्टो तवील अरसे से अलालत के बायस कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे। 94 साल उनकी उम्र है। मुमताज भुट्टो बानी जुल्फिकार अली भुट्टो के कज़न थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं कराची से, जहां पर साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध मुमताज भुट्टो इंतकाल कर गए हैं। मुमताज भुट्टो तवील अरसे से अलालत के बायस कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे। 94 साल उनकी उम्र थी। शहराज महमूद पठान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। जी शहराज बताइएगा। जी, ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के फर्स्ट कजन हैं और साबिक गवर्नर सिंध मुमताज अली भुट्टो 94 बरस की उम्र में जो है वो काफी अलीम थे और साउथ सिटी कराची हॉस्पिटल में जो है जेरे इलाज थे। आज उनका जो है वो इंतकाल हो गया और उनका जो है वो उसकी तस्दीक उनके तर्जुमान इब्राहिम अबरो की जानिब से जो है वो की गई है। अब डिफेंस फोर में जो है फोर नंबर बेंगलोर में उन्हें लाया गया कराची में और उसके बाद अब जो है वो उनके बेटे अमीर पक्ष भुट्टो जो है उन्हें लाड़काना जो है वो लाया जाएगा और यहाँ पर जो है उनकी अब इसका जो है वो बाजाबता ऐलान उनके बेटे की जानिब से किया जाएगा कि उनकी कब जो है वो तदफीन और कहाँ पर की जाती है। बहुत शुक्रिया शहराज महमूद पठान।